हेलो टेक्निकल पीपल, तो स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वर्ल्ड में। और आज आज हम लोग देखने वाले हैं कि सी लैंग्वेज में यूजर के पास से हम एरे कैसे प्रिंट करवा सकते हैं और स्कैन करवा सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में और आगे भी हमको सॉर्टिंग के जो प्रोग्रामिंग है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, काफी सारे सॉर्ट जिसमें एरे का ही यूज होता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक आपको यही आना चाहिए कि एरे हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम एरे को यूजर के पास से इनपुट करवा सकते हैं और स्कैन करके प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, थेके? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल कि एरे कैसे यूजर से प्रिंट करवाए। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं अभी सेव कर दूंगा दिस पीसी, उसमें जाके कौन सी डी ड्राइव, नहीं डी ड्राइव नहीं, ई ड्राइव, उसमें यूट्यूब और उसमें सॉर्टिंग वाले फोल्डर में। ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ, क्या नाम रख देंगे, हाउ टू स्कैन एरे फ्रॉम यूजर। ठीक है, हाउ टू स्कैन एरे फ्रॉम यूजर। ठीक है, और डॉट सी तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, तो सबसे पहले वो तो आपको पता ही है ना, ये सब बेसिक है। स्टैक इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। मैंने सी लैंग्वेज का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है दोस्तों, वहां पे मैंने सी लैंग्वेज का बेसिक सब बता रखा है, तो आप वो जाके एक्सेस कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं आता तो वो जाके आप देख सकते हो। अभी हमारा यहाँ हमारा मोटिव है कि हम एरे है वो यूजर के पास से कैसे इनपुट करें। तो पहले हमें क्या करना होगा कि पहले तो हमें यूजर के पास से एरे की लेंथ मांगनी होगी और स्कैन करनी होगी। वो लेंथ हमें क्यों चाहिए वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं पहले सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रिंट एफ एंटर योर नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एंटर योर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, कितने एलिमेंट आपको चाहिए वो आप एंटर करो। ठीक है, और मैं इसको स्कैन करवा देता हूँ एन में। तो पहले तो हमें इंटीजर एन डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, अभी मैं स्कैन करवा देता हूँ। सिंटेक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही सब बताया हुआ है, तो इसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करने वाले। ये सिंपली हमें हमने क्या करा, एरे की लेंथ यानी कि कितने एलिमेंट है वो हमने यूजर के पास से प्रिंट करवा के स्कैन करवा दिया है, एन नंबर में स्टोर कर दिया। ठीक है, अभी जैसा हमने यहाँ पे इंटीजर एन डिक्लेयर किया है वैसे ही हमें एरे डिक्लेयर करना होगा। तो एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंपली इंटीजर एरे हमें यहाँ रखना है तो इंटीजर फिर एरे का नाम रख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ रख रहा हूँ ए आर आर एरे का नाम। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में देनी है हमें उसकी लेंथ, तो मैं लेंथ दे देता हूँ उसकी एन। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसलिए ही एन प्रिंट कराया हुआ है, अभी आपको पता चला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज कर दिया है। अभी हमें उस एरे में एलिमेंट डलवाने हैं, लेकिन किस से, यूजर से ना, हमें खुद नहीं डालने हैं, हमें यूजर से डलवाने हैं। तो हम तो हमें पहले यहाँ पे प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट क्या ऐड करना पड़ेगा कि एंटर योर एलिमेंट्स, क्या करना पड़ेगा, एंटर योर एलिमेंट्स। ठीक है, अथवा तो मैं एक काम करता हूँ, योर की जगह में क्या लिख देता हूँ, खबर योर नहीं आई यू है ना, तो योर की जगह में लिख देता हूँ एंटर परसेंटेज डी एलिमेंट, कितने परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी क्या, तो मैं यहाँ उसकी वैल्यू दे देता हूँ एन। यानी कि अभी जब भी ये रन होगा तब परसेंटेज डी की जगह क्या आ जाएगा, एन। और एन क्या है, जो यूजर ने उसकी लेंथ डी है वो, तो अगर यूजर ने एन की वैल्यू दी होगी 5, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा कि एंटर 5 एलिमेंट। ठीक है, आई होप कि इतना तो आपको पता चल चुका होगा। अभी उसने क्या किया, यूजर ने 5 एलिमेंट पे डाल दिए, लेकिन हमें उसको स्कैन करवाना है ना, तो एरे को स्कैन किस से करवाते वो आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ फोकस रखिए, फोकस रहे, यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ।
यहाँ पे मान लो हमने एक इंटीजर था तो उसको तो हमने स्कैन एफ की मदद से स्कैन करवा दिया, लेकिन एरे को हम डायरेक्टली स्कैन स्कैन एफ से नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि एरे में एक एलिमेंट नहीं है ना, एरे में एक से ज्यादा एलिमेंट है। तो हमें यूज करना होगा यहाँ पे लूप का, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करूंगा। तो यहाँ लिखता हूँ इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और फॉर लूप के अंदर हमें स्कैन एफ वाला स्टेटमेंट ऐड करना है, ठीक है। पता चला क्यों अंदर करना है? क्योंकि एक एलिमेंट नहीं है एरे में, एक से ज्यादा एलिमेंट है, इसलिए स्कैन करवाने के लिए हमें फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि एरे ऑफ आई, ठीक है। तो एक के बाद एक एलिमेंट फॉर लूप की मदद से हमारे जो ए आर आर वाला एरे है उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टोर तो हो गया, अभी मान लो हमें उस एरे को प्रिंट करवाना है, तो एरे को प्रिंट करवाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर लूप की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सेम टू सेम यही फॉर लूप को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और सिंपली यहाँ पे स्कैनअप की जगह क्या लिख दूंगा? प्रिंट एफ, और ये आगे एंड वाला साइन है वो मैं निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि वो एंड वाला साइन स्कैन करवाने के लिए, याद कीजिए मैंने सी वाले ट्यूटोरियल में बताया हुआ है सब कुछ डिटेल में, एंड वाला जो साइन है वो किसके लिए है? स्कैनअप के लिए, ठीक है। प्रिंट एफ के लिए नहीं है। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, ठीक है। आप F9 से भी रन कर सकते हो, और यहाँ जो दिया हुआ है उससे भी रन कर सकते हो। अगर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आए कि डू यू वॉन्ट टू बिल्ड इट नाउ, तो आपको क्या दे देना है? नो, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से रन करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं दबाऊंगा F9 प्रेस करूंगा, ठीक है, तो ये रन हो गया। देखिए क्या हो गया, रन हुआ। अभी क्या हुआ आया कि एंटर योर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, मान लो मैंने 5 एलिमेंट दे दिए, ठीक है। फिर मैंने दिया एंटर, तो उसने क्या दिया? एंटर 5 एलिमेंट। देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है, एक ही मिनट। यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना, एंटर परसेंटेज डी एलिमेंट, परसेंटेज डी की जगह वो क्या प्रिंट करवाएगा? एन। तो आ गया एंटर 5 एलिमेंट, ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा इजी लगे, और यूजर को पता चले हमें कितने एलिमेंट डालने हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी 5 एलिमेंट डाल देता हूँ, और सेपरेट करने हैं आपको स्पेस से, ठीक है। तो मैंने डाल दिया 10, 20, 56, 89, फिर मैं देता हूँ एंटर। तो देखो ये 10, 20, 56, 89 वो प्रिंट हो गए, लेकिन हमें ये धुंधला धुंधला जरा लग रहा है, ठीक है। हमें अच्छा वाला रिजल्ट प्रिंट करवाना है, तो हम थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे? डिजाइनिंग करेंगे। कैसे? तो कि परसेंटेज डी के बाद में दे देता हूँ स्लैश टी, यानी कि वो बीच बीच में टेप देता रहेगा, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये फॉर लूप के ऊपर एक प्रिंट एफ का एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ कि योर एरे इज 30, ठीक है। अभी मान लो मैं इसको रन करता हूँ, क्या करता हूँ? फिर से रन करता हूँ, ठीक है। एंटर योर एलिमेंट, 4 एलिमेंट हमें देने हैं, मान लो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो आया योर एरे इज 1, 2, 3, 4, तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने स्लैश टी यानी कि टेब टेब बीच में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पता चल चुका होगा कि यूजर के पास से एरे कैसे स्कैन करवाते हैं और प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। और आगे हमारे जितने जितने भी सॉर्टिंग वाले आने वाले हैं ट्यूटोरियल, वो सब में मैं इतना तो पहले से लिख के ही रखूंगा, ठीक है। अभी इतना मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, उस वीडियोज में आपको सिर्फ मैं सॉर्टिंग का लॉजिक ही बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि हमारे वीडियोज शॉर्ट हो चुके। तो आप ये अपने आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इजी लग चुके, ठीक है। तो और एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सिंपली हमको करना क्या है कि पहले हमें नंबर ऑफ एलिमेंट एरे में प्रिंट करवाने हैं, फिर एक एरे डिक्लेयर करना है। लेकिन एरे डिक्लेयर करें तब हमें ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में उनकी लेंथ देनी कंपलसरी है, इसलिए तो हमने वो प्रिंट करवाया है एन, ठीक है। फिर हमें क्या करना है तो कि स्कैन करना है सारे एलिमेंट को। स्कैन कैसे करते हैं? तो कि फॉर लूप की मदद से, क्योंकि एक के बाद एक हमें स्कैन करना है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है तो कि प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट किसके मदद से कर सकते हैं? फॉर लूप की। आप व्हाइल लूप की भी मदद से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लूप होना जरूरी है, ठीक है। तो बस दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए।